क्लास 2 है बायोलॉजी लेसन 6 ग्रेफिथ के अनुसार डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, कैसे उसने सिद्ध किया इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। क्लास 12 ये बात मत करो वहां पर। बायोलॉजी लेसन 6 आज आपको क्या पढ़ना है, देखो टॉपिक यही रहेगी, सिद्ध कीजिए कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। आज का टॉपिक यही है कि अनुवांशिक पदार्थ का है डीएनए। इसमें तीन वैज्ञानिक आएंगे, ठीक है ना, तीन प्रयोग करेंगे। प्रयोग एक में जो आएंगे उसमें जो वैज्ञानिक आएंगे उसका नाम होगा ग्रिफिथ, ठीक है ना। प्रयोग एक में जो वैज्ञानिक आएंगे उसका नाम होगा ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ प्रयोग दो आएंगे, प्रयोग दो में तीन वैज्ञानिक आएंगे, ठीक है। एक जो वैज्ञानिक आएंगे उनका नाम होगा एबेरी और एक होगा मैकलियोड और एक होगा मैकार्टी, ठीक है। और प्रयोग तीन आएंगे, प्रयोग तीन में हम लोग आएंगे तो हार्से और चेस नामक वैज्ञानिक का प्रयोग, हार्से और चेस। बस आज का टॉपिक में इतना हम लोग को पढ़ना है, एक घंटा लग जाएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। आज हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है, किताब में लिखा भी गया है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, आपको सीख करके दिखाना। हम पढ़ने से पहले खूब बढ़िया से पहले समझेंगे तब इसकी पढ़ाई के हम लोग जिक्र करेंगे। तीन प्रयोग करेंगे और तीनों प्रयोगों के द्वारा हम लोग अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध करेंगे कि डीएनए होता है। पहला एक सबसे पहला जो शब्द होगा प्रतिकृति का होता है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिकृति। और प्रतिकृति के बाद इसको अंग्रेजी में हम लोग पहले लिख लेते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन। सुनो, प्रतिकृति शब्द के प्रयोग हम लोगों ने कल भी सुना था और आज भी हम लोग सुन रहे हैं। एक डीएनए से, याद करो, जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रतिकृति। सिंपल सी बात है, फटाफट फोटो कॉपी जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोटो कॉपी। जैसे आप फोटो, जैसे आपका फोटो कॉपी करना है तो एक रख लीजिए और उससे दो फोटो कॉपी हो जाता है, मैंने एक हुआ एक निकाल दिए, तो एक जो फोटो कॉपी होगा वो पहले वाला था तो उसको जनक और एक जो हो गया उसको संत। तो क्या कहेंगे कि जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है, एक डीएनए से दो डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसे प्रतिकृति कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। इसमें से एक डीएनए जनक कोशिका में, जनक कोशिका में तथा दूसरा डीएनए संतति कोशिका में होता है, संतति कोशिका में। सिंपल सा टॉपिक, फोटोकॉपी, डीएनए का फोटोकॉपी। एक डीएनए से जब दो डीएनए का निर्माण होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकृति का। एक जनक कोशिका के अंदर रहेगा और एक कहाँ रहेगा, संतति कोशिका। संतति का मतलब संतान, मैं जनक, मेरे जो पुत्र पैदा होंगे उसको संतान कहते हैं। और इसका चित्र भी बना सकते हैं, देखो डीएनए की संरचना द्विकुंडली होती है इस तरीके से, बता सकते हैं आप यहाँ पर सर,
डीएनए होती है उसकी संरचना इस तरीके से होती है, और ये सब डीएनए है, और इस डीएनए से दो डीएनए का निर्माण आपका हो जाता है। ठीक है, ये हुआ और आपका एक, तो जब एक डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण हो गया, दो, यहाँ पर एक डीएनए लिख लेना, और यहाँ पर एक जनक कोशिका का डीएनए यह है, और एक है संतति कोशिका का डीएनए। ठीक, तो जब एक डीएनए से दो डीएनए का होता है निर्माण होता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं, हाँ, प्रतिकृति। सुंदर सा छोटा सा शब्द था, इस प्रतिकृति के बारे में बता सकते हैं कि जब एक डीएनए से दो डीएनए का क्या होता है निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकृति। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग कि सिद्ध कैसे करेंगे कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो आते हैं सबसे पहला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है, माने प्रयोग एक, जिसका नाम होगा ग्रिफिथ। देखिए आपने लिखा होगा जी ग्रिफिथ, हालांकि रूपांतरित सिद्धांत दिए थे, थोड़ा सा मैं इसको पहले आपको बता दें कि आखिर रूपांतरित सिद्धांत क्या होगा। रूपांतरित सिद्धांत देखो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ट्रांसफार्म, स्थानांतरण जिसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जब एक कोशिका से डीएनए या जी दूसरी कोशिका के अंदर चला जाता है तो इस घटना को हम लोग रूपांतरित सिद्धांत कहते हैं। माने आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब एक कोशिका से डीएनए या जीन निकल कर दूसरी कोशिका के अंदर चला जाता है तो उसे रूपांतरण कहते हैं। सब आपकी किताब में लिखा गया है, आप उसको रीडिंग करते रहिएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रूपांतरण कहते हैं। हमारे पास दो कोशिका है, एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, इसके अंदर मान लो डीएनए उपस्थित है, हमने इसको गर्म किया, गर्म करेंगे तभी होगा, इसके अंदर छिद्र हो गया, फिर ये डीएनए निकल के इसके अंदर चला गया डीएनए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम लोग, रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है कि एक कोशिका से डीएनए या जीन निकल करके दूसरी कोशिका के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है, तो उसको रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। याद हुआ, दो कोशिका, एक कोशिका से जीन डीएनए में ही पाया जाता है आ दूसरे कोशिका के अंदर चला जाता है तो उसी को रूपांतरण, या हम लोग क्या कहते हैं, ये ट्रांसफार्मर जो होता है उसको कहते हैं। तो रूपांतरण सिद्धांत भी आपकी जानकारी हो गई। ठीक है, अब हम लोग अपने टारगेट पर आते हैं, ग्रिफिथ का प्रयोग। तो ग्रिफिथ ने सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उसको सिद्ध करने के लिए सन 1928 ईस्वी में रूपांतरित सिद्धांत दिया, और उसने एक जीवाणु लिया था, उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसे न्यूमोनिया रोग होता है, वही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था, और कहा कि जीवाणु जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यश प्रभेद और एक होता है आर प्रभेद। आपकी किताब में लिखा है, देखिए देख लीजिए झलक, यश प्रभेद और एक होता है आर प्रभेद, ये दोनों है क्या, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, और तब हम लोग सिद्ध करेंगे कि कैसे अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। एक मिनट, हाँ बोल, आते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो आते हैं प्रयोग संख्या एक। आपकी किताब में लिखा है, देखिए प्रयोग संख्या एक, कैसे आप सिद्ध करेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। एक महान वैज्ञानिक जिसने 1928 ईस्वी में अपना प्रयोग किया, प्रयोग करके रूपांतरित सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया,
आप किताब तक मिलाते रहिएगा कि सही लिख रहे हैं कि नहीं, रूपांतरीय या रूपांतरी जो भी बात है, कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत दिया, क्या कहा था, पहले खूब बढ़िया समझते हैं तब इसके बारे में लिखें, पहले खूब समझें। उसने क्या किया कि इस प्रयोग करने के लिए एक जीवाणु लिया, क्या लिया, हाँ, एक उसने प्रयोग करने के लिए जीवाणु लिया और उस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस कोकस न्यूमोनी। चलो भाई जीवाणु, उसने जीवाणु लिया, न्यूमोनिया रोग इसी से होता है, देख लेना, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु लिया। उसने क्या किया और बताया कि देखो बापू, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनो जीवाणु होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार के, फटाफट देखो, एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं यश प्रभेद, एक होता है आपका आर प्रभेद। क्या कहा, प्रभेद, व्हाट इज प्रभेद, प्रभेद क्या है, तो प्रभेद आप कहेंगे एक प्रकार है, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है यश प्रकार, एक होता है आर प्रभेद प्रकार, यानी प्रभेद का उसमें होता है प्रकार, एक क्या हुआ यश प्रकार, एक होता है आर प्रकार, बस समझ गए। अच्छा आप सुनो, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं स्मूथ, क्या कहेंगे, प्रभेद को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन, अंग्रेजी में स्ट्रेन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रफ, और प्रभेद को कहते हैं स्ट्रेन। चलो आप स्मूथ का मतलब सब लोग जानते होंगे, मुलायम होता है, एकदम आराम से कह दे सकते हैं मुलायम, प्रभेद का मतलब प्रभेद, और इसका मतलब होता है भद्दा, खुरदरा जिसको कहते हैं खुरदरा प्रभेद। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है एस प्रभेद, दूसरा होता है आर प्रभेद। यश प्रभेद को कहते हैं स्मूथ स्ट्रेन, मुलायम प्रभेद, खुरदरा प्रभेद, आखिर दोनों है क्या, हम दोनों की संरचना बताते हैं पूरे। अच्छा, जीवाणु यूकेरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक होता है, बड़ा बड़ा दिन कहोगे सर टाइम नष्ट नहीं, प्रोकैरियोटिक होता है, जीवाणु क्या होता है, अच्छा आप बताओ जीवाणु में क्या पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की आरएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इसमें अनुवांशिक पदार्थ में डीएनए होता है। अब फटाफट कहिए कि सर तनिक दोनों का संरचना बनाकर दिखा दीजिए कि आखिर आप इसको आर प्रभेद क्यों कह रहे हैं, उसको यश प्रभेद क्यों कह रहे हैं, फटाफट इसकी संरचना हम लोग बनाते हैं। पहले यश प्रभेद है, बनाते हैं इसको, देखिए आर ए आर प्रभेद है, इसकी भी संरचना दोनों संरचना बनी है, ठीक। अब क्या होने वाला है, कुछ कमाल की बात होने वाली है। अच्छा, कोई भी प्रभेद होगा उसके अंदर यहाँ पर अनुवांशिक पदार्थ जो भी होंगे डीएनए होंगे वो सब पाएंगे, यहाँ पर लिख लेना यश प्रभेद, यहाँ पर लिख लेना आर प्रभेद, फटाफट देखना। अब क्या करने वाले आप हैं, ये यश प्रभेद है आर प्रभेद है, ए बाबू इधर देखो ना, यश प्रभेद आर प्रभेद, तो क्या होगा, देखो यश का मतलब मुलायम, आर का मतलब खुरदरा, लेकिन लेकिन इसके थोड़ा सा इसी से बनाते हैं, इसके ऊपर सबके ऊपर दोनों के ऊपर इसके ऊपर कहेंगे सर कि इसके ऊपर एक परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है परत, फिर कहेंगे इसके ऊपर एक और परत पाया जाता है सर, ठीक है, चलो कई परत हो गए, फिर कहेंगे सर इसके ऊपर एक और परत पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हाँ आप तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन 11 वाले जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए पूरा किताब वो एनसीईआरटी वाला पढ़ करके आते हैं, ठीक है ना, अच्छा मैं पढ़ाता हूँ तो बताते हैं कि सर इससे होता है, हाँ तो बस टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं है। चलो भाई, ये जो सबसे बाहर वाला झिल्ली है, मैं यश प्रभेद की बात करता हूँ, ये बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स के, किसका बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ये कौन बता रहे हैं, हम नहीं कौन, ग्रिफिथ बता रहा है कि जो यश प्रभेद होता है सबसे बाहरी झिल्ली पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा इधर आ जाएगा, जो सबसे तनी अंदर वाले एक झिल्ली लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, पढ़े होंगे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक झिल्ली होती है उसका भी थी के माने नीचे पाई जाती है, सब 11 को मास्टर से पढ़ाए उन्हें दिल से एकदम, और उसके बाद से सबसे माने और बाहर वाला जो होता है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति,
चलो 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 चलो, ये उपस्थित हो गया। क्या क्या पाया गया? तीन झिल्ली। सबसे बाहर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको, अच्छा। और उसके बाद से प्लाज्मा, उसके बाद से कोशिका भित्ति होती है। याद है कि जो कोशिका भित्ति होती है पौधे में किसकी बनी होती है, बताओ फटाक दे। जंतुओं में किसकी बनी होती है? जंतुओं में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बकलोल कहो सर, जंतुओं में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती, कैसे बनी होती है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसमें भी यही होने वाला है कहानी। अब देखिए ये ध्यान से, इसमें भी वही होगा। क्या क्या होगा? दो ही परत होगा इसमें, ठीक है? कितने परत? दो। अंदर वाला परत को प्लाज्मा कह दो, सबसे बाहर वाला परत को कोशिका भित्ति। लेकिन इसके ऊपर जो ये झिल्ली पाई जा रही थी, जिसको मुलायम, मैंने मुलायम झिल्ली था, जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, इसके अंदर वो झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है? इसीलिए खुरदरा होता है। इसके माने झिल्ली नहीं पाई जाती, जब टच करोगे ना तो खुरदरा का मतलब जानते हैं ना? जैसे बेंच है, बेंच खुरदरा है, देखिए तो खुरदरा है, लेकिन तनि आयु देखिए नहीं तो एकदम मुलायम है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मुलायम होता है खुरदरा। नहीं जानते तो जान देगा। ये उसने कहा कि दो प्रकार के जीवाणु थी, दोनों की संरचना हम लोग क्या कर दें? बना दिए। लेकिन एक चीज़ और बता दें, क्या चीज़? हर रोग उत्पन्न करने वाला था, रोग उत्पन्न करता था, मन करना करता है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता, रोग उत्पन्न। अच्छा, मैं जितने शब्द बोल रहा हूँ, बात समझ रहा हूँ, जितना वर्ड मैं बोल रहा हूँ, पूरा वर्ड को आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। इसकी संरचना बनाएंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना पड़ेगा। देखा, दूर कुछ चीज़ होगा, अगर खूब समझाएंगे आपको तो खुद लिखना पड़ेगा, अच्छा पवाएंगे आपको तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो खाली आप समझिए क्या हो रहा है, अपने हिसाब से उसको लिख लीजिएगा। कहीं समझ सुनते रहिए, का एक बड़ा समझा देते हैं आपको कि एक वैज्ञानिक आते हैं ग्रिफिथ 1928 ईस्वी में रूपांतरित सिद्धांत देते हैं, और वो कार्य एक प्रकार के जो विषाणु होता है, जीवाणु होता है, उस पर करते हैं। जीवाणु का नाम क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। वो कहते हैं कि जीवाणु दो प्रकार का होता है, एक होता है यश प्रभेद, एक होता है आर प्रभेद। यश प्रभेद को हम लोग देखते हैं स्मूथ स्टेन कहते हैं, यानी मुलायम प्रभेद कहा जाता है, और एक को हम लोग कहते हैं खुरदरा प्रभेद। फिर दोनों की संरचना बनाते हैं, दोनों की संरचना बना कहते हैं कि जो आपके पास यश प्रभेद होता है, क्या होता है? यश प्रभेद होता है, इसमें सबसे बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, और जो आपके आर प्रभेद होता है उसमें ग्लाइकोकैलिक्स झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसके बाद से कोशिका भित्ति पाई जाती है, फिर इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, फिर इसके अंदर डीएनए होता है, फिर इसके अंदर वही बात होती है प्लाज्मा झिल्ली तब कोशिका भित्ति तब डीएनए। ये रोग उत्पन्न करता है, ये रोग उत्पन्न नहीं करता, ये शब्द अपने सुनिए, अब इसको बता सकते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है भाई, अब अपना किताब में देखिएगा, ग्रिफिथ ने चार चरणों में उसने प्रयोग किया। कितने चरणों में दिया? चार चरण। चलिए तो अच्छा, ये काम करो काम करो काम करो, चलो यहीं पे बता देते हैं। अब आते हैं ग्रिफिथ के प्रयोग के चरण, ग्रिफिथ के प्रयोग के चरण। जरा सोचो, उसने ये प्रयोग चूहा पर किया था, किस पर किया? चूहा। अच्छा, आपको याद होगा कि जितना भी वैक्सीन बनाया जाता है चूहा पर ही प्रयोग किया जाता है, चूहा मरेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर चूहा वैक्सीन नया नया बना, चूहा पर प्रयोग कर दिया, चूहा मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही प्रयोग अभय शर्मा पर कर दिए वो मर जाएगा तो दुख की बात है। मैं समझ रहे मन का है, मन मर नहीं सकता, प्रयोग किया जाएगा तो चला जाओ। तो कहा होगा चरण एक, उसने कहा किया चरण एक में हो गया, चरण एक लिया उसने, किया का कि उसने लिया, जानते हो का? यश प्रभेद का लिया, एस प्रभेद। इसको किसमें डाल दिया? चूहा में। किसमें डाल दिया? चूहा में। एस प्रभेद का मतलब जानते हो ना, माने जो कुछ पकड़ा, पकड़ के सिलेंस चूहा के अंदर उसको डाल दिया, कहा कि लो हम तुमको देते हैं। जब चूहा के अंदर डाल दिया तो चूहा मर गया, कहा गया चूहा मरेगा, एकदम मरेगा, मरेगा मरेगा, कौन मरेगा? चूहा। क्यों मरेगा? क्योंकि आपने कहा कि सर यश प्रभेद रोग उत्पन्न करने वाला है, इसलिए उसमें रोग उत्पन्न कर दिया, रोग उत्पन्न होने के बाद मर गया। किसने प्रयोग किया? उसने। सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, यही पढ़ रहे हैं। चलो आ जाते हैं चरण टू के पास, चरण दो के पास। अब उसने लिया आर प्रभेद और इस आर प्रभेद को डाल दिया चूहा में, तो चूहा नहीं मरेगा, चूहा नहीं मरेगा।
चूहा जीवित रहेगा या नहीं मरेगा, दोनों बातें क्यों नहीं मरेगा? कहेंगे सर इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि रस उत्पन्न करने वाला नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, चरण नंबर 3। अब चलो, यश प्रभेद को उसने किया गरम, का किया गरम। अरे थोड़ा सा प्लेट लिया होगा, उस प्लेट में जो जीवाणु है उसको रख करके नीचे से गरम कर दिया होगा। ए इधर देखो यार, बात कर यश प्रभेद को लिया, उसके बाद से उसने क्या किया, गरम किया। जब गरम करके माने गरम, इसको हम लोग मृत प्रभेद कहते हैं, ध्यान रखना। जब उसने गरम किया और गरम करके चूहा में डाला तो चूहा नहीं मरेगा। ए भाई कमाल हो गया, ठंडा था तो चूहा मर गया। जब यश प्रभेद ठंडा था, चूहा में हमने डाला तो चूहा मर गया, क्योंकि हमने यश प्रभेद को गर्म करके जब चूहा में डाला तो चूहा का ही नहीं मारा। अभी हम लोग देखेंगे क्यों नहीं मारा। आगे आते हैं, अब आते हैं चरण नंबर किसके पास, 4 के पास। उसने क्या किया, आर प्रभेद लिया और प्लस यश प्रभेद, और ये भी क्या लिया, गर्म लिया और प्लस चूहा के अंदर इसको डाल दिया तो चूहा मरेगा। चूहा क्या होगा, मरेगा। कमाल की बात होगी भाई, उसने प्रयोग किया इतना। यश प्रभेद लिया चूहा में डाला, चूहा मर गया। आर प्रभेद लिया चूहा में डाला, चूहा नहीं मरा। यश प्रभेद को गर्म करके चूहा में डाला, चूहा नहीं मरा। यश प्रभेद गर्म करके आर प्रभेद के साथ मिला, चूहा मर गया। मर गया कौन, मर गया चूहा। ठीक है, वो अपना प्रयोग करके वो दिखा दिया। अब एक हम चीज बताते हैं आखिर, लेकिन देख लो बस इतना वो बताए थे क्या, थोड़ा सा नोट में अंतिम में ही कहे थे कि जब आर प्रभेद और गरम यश प्रभेद को एक साथ रखा गया तो आर प्रभेद यश प्रभेद में बदल गया, यश प्रभेद में बदल गया, इसलिए चूहा मर गया, इसलिए चूहा मर गया। हाँ मर गया। अब सुनो, ब्लैकबोर्ड छोटा है ना, काके जाएगा। इसे चूहा क्या हो गया, क्यों मर गया, हम आपको बताते हैं। जब अच्छा जब ये ठंडा था, यश प्रभेद की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मरेगा ही नहीं, इससे चाहे गर्म करिए चाहे मत करिए, सुनते रहिएगा ध्यान से। यश प्रभेद को जब ठंडा था, गर्म नहीं किया था, तो इसके अंदर क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स था। क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स के कारण चूहा मर गया। अब सुना ध्यान से, जब हमने इसको गर्म किया, क्या किया, तो गर्म करने के बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स का परत था वो टूट गया, और टूटने के बाद इसमें छिद्र हो गया, क्या हो गया, और DNA आपका बाहर निकल गया। क्या हो गया, जब DNA, जब ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गया, DNA बाहर निकल गया, तो इसीलिए जब गर्म प्रभेद को, यश प्रभेद को हमने चूहा में डाला तो चूहा का हुआ, नहीं हुआ, जीवित रहा। अब चौथा जब चरण में आते हैं तो क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, यश प्रभेद को आर प्रभेद को, तो हमने यश प्रभेद को गर्म किया, तो गर्म करने के बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स का परत है वो टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, इसमें का DNA जो था निकल करके आर प्रभेद के अंदर जाना शुरू कर दिया। किसके अंदर, आर प्रभेद के अंदर जाना शुरू कर दिया। जब आर प्रभेद के अंदर जाना इसने शुरू किया तो आर प्रभेद के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स उत्पन्न हो गया, इसलिए चूहा का हो गया। लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसके बारे में व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसके बारे में व्याख्या बस इतना किए थे, बस इतना ही कहते जितना मैंने लिखा है कि चूहा इसलिए मर गया क्योंकि जब आर प्रभेद को और यश प्रभेद को जब एक साथ रखा गया तो आर प्रभेद यश प्रभेद में क्या हो गया, बदल गया, इसलिए चूहा का हो गया, मर गया। तो ये इनका था, और इसने माने सिद्ध तो किया, ये सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, लेकिन सफलतापूर्वक सिद्ध नहीं कर पाया, माने ये आप लिख सकते हैं। अतः इसने बताया कि अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं बता पाए थे। ठीक है, कुछ बात समझे, समझ गए होंगे सर, छाप लीजिए।